Assalamualaikum dear students, how are you? I wish you all are good and Allah Pak Wadhan bless you. Nowadays I will discuss about Zameen aur Mahmood. Dear students, आपको पता है कि हम आपका चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर? थर्ड. और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर थर्ड का आपका नाम क्या है? ज़मीन और माहौल. और इसमें अगर आज हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मैं बार बार आपको ये चीज़ बताती हूँ कि हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का माहौल और पाकिस्तान की ही ज़मीन को डिस्कस कर रहे हैं. तो पहले अभी तक इससे प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट से अब तक हम लोग किसको डिस्कस कर रहे थे? हम ज़मीन को डिस्कस कर रहे थे. किसको? पाकिस्तान की ज़मीन को. सबसे पहले हमने डिस्कस किया किसको? पहाड़ी इलाकों को. फिर हमने डिस्कस किया सदा मुर्तफा को. फिर उसके बाद हमने मैदानी इलाकों को डिस्कस किया. और उसके बाद हमने किसको डिस्कस किया? रेगिस्तानी इलाकों को डिस्कस किया. तो अब हम किस पे जा रहे हैं? अब हम मौसमी हालात पे जा रहे हैं. अब हम किसकी तरफ आ रहे हैं? माहौल की तरफ आ रहे हैं, मौसम की तरफ आ रहे हैं. तो मौसमी हालात को अब हम डिस्कस करेंगे. अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान में किस किस तरह के माहौल, किस किस तरह के मौसम होते हैं और किस तरह से होते हैं. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात यहाँ भी बोली है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, कि मौसमी हालात होते क्या हैं. तो इसकी डेफिनेशन ये है कि किसी खास जगह पर एक मुख्तसर मुद्दत, मसलन दिन या हफ्ते के लिए सजाए अवामिल जैसा कि दर्जा हरारत, नमी, बारिश, हवा और सजाई दबाव की कैफियत को मौसम कहते हैं. मौसम किसे कहते हैं स्टूडेंट? किसी खास जगह पर एक मुख्तसर मुद्दत, मसलन दिन या हफ्ते, किसी भी जगह पे किसी मुख्तसर मुद्दत, जैसे एक हफ्ता हो गया, उसके अलावा क्या हो गया, दिन हो गए या हफ्ते हो गए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं? दर्जा हरारत आ रहा है, नमी आ रही है, बारिश आ रही है और फिजाई दबाव आ रही है. इसकी कैफियत को हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं. अब हम बात करते हैं किसकी? मौसम के बारे में आपको पता चल गया. तो अब हम बात करते हैं किसकी? आबो हवा की. किसकी बात करेंगे हम? आबो हवा की बात करेंगे. तो आबो हवा में क्या है कि एक लंबे अरसे पर मौजूद किसी इलाके की पोस्ट मौसमी हालात को आबो हवा कहते हैं. आबो हवा किसे कहते हैं? पहले हमने किसकी डेफिनेशन पढ़ी? मौसम की डेफिनेशन पढ़ी. मौसम किसे कहते हैं? मौसम किसे कहते हैं स्टूडेंट? दोबारा से सुनिएगा कि किसी खास जगह पर एक मुख्तसर मुद्दत, मसलन दिन या हफ्ते के लिए फिजाए अवामिल की कैफियत को मौसम कहते हैं. और वो कैफियत है कौन सी है? फिजाए अवामिल है कौन से? दर्जा हरारत है, नमी है, बारिश है और फिजाई दबाव है. तो नेक्स्ट हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? नेक्स्ट हम आबो हवा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो आबो हवा में क्या है कि एक लंबे अरसे पर मौजूद किसी इलाके की औसत मौसमी हालात को आबो हवा कहते हैं. आबो हवा किसे कहते हैं? कि एक लंबे अरसे पर मौजूद किसी इलाके की औसत मौसमी हालात को आबो हवा कहते हैं. किसी इलाके के मौसम या आबो हवा को कई जगराफियाई अवामिल मुतय्यन करते हैं, जिनमें हद इस्तवा से फासला, सतह समुद्र से बुलंदी और सतह समुंदर से फासला, दायनी हवाएं और कभी हद्दोहाल शामिल है. और कौन सी चीज़ें शामिल हैं इसमें? किसी इलाके के मौसम या आबो हवा की कई जगराफियाई अवामिल मुतय्यन करते हैं, जिनमें हद इस्तवा से फासला, सतह समुंदर से बुलंदी, सतह समुंदर से फासला, दायनी हवाएं और कभी हद्दोहाल शामिल है. आप क्या है कि पाकिस्तान की आबो हवा को मुदर्जा गैरअवामिल मुतासर करते हैं. अब हमने क्या डिस्कस करना है कि पाकिस्तान की आबो हवा को मुदर्जा गैरअवामिल डिस्कस करते हैं. वो अवामिल हम यहाँ डिस्कस करेंगे. चार अवामिल हैं किस तरह से पाकिस्तान की आबो हवा को मुतासर कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सी है कि पाकिस्तान की आबो हवा को कौन सी है? पाकिस्तान हद इस्तवा से ऊपर खाड़ी हिस्से में है. किधर है? हद इस्तवा से ऊपर खाड़ी हिस्से में है, जो क्या है 23.30 डिग्री पूर्व और 37 डिग्री अर्थ बल के दरमियान वाक़ है. किधर है? 23.30 डिग्री कितना है? टूल बल है. क्या है ये? टूल बल. और 37 डिग्री क्या है? अर्थ बल है. और क्या है इसके दरमियान? अब इन दोनों के दरमियान इसके ये 23.30 टूल बल और 37 डिग्री अर्थ बल के दरमियान में वाक़ है. और क्या है? नीम खाड़ी हिस्से में होने की वजह से पाकिस्तान का दर्जा हरारत
मौसम गर्मा में काफ़ी गर्म होता है। अब आपको डियर स्टूडेंट्स पता चाहिए कि गर्मी क्यों ज़्यादा होती है। गर्मी ज़्यादा होने की वजह ये है कि पाकिस्तान हज़रत इस्तवा के ऊपर खाड़ी हिस्से पे वाक़ है। किधर वाक़ है? हज़रत इस्तवा के ऊपर खाड़ी हिस्से पे वाक़ है। ये ही वजह है कि पाकिस्तान में क्या होती है कि मौसम गर्मा में गर्मी ज़्यादा होती है। गर्मी ज़्यादा होने की रीज़न आपको पता चल गया। और ये हमने क्या लिखा कि 23.30 डिग्री ये क्या है? टूल बर्थ। और 37 डिग्री क्या है? अर्थ बर्थ के दरमियान में वाक़ है। और नेक्स्ट हम ये सुनते हैं, नेक्स्ट डिस्कस ये हमने डिस्कस कर लिया। ये इसका पहला मामला था जिससे क्या होता है पाकिस्तान की आबोहवा मुतासर होती है। अब हम दूसरा मामले देखते हैं कि दूसरे मामले में क्या है। तो दूसरे मामले में ये है कि जनूबी इलाके समुद्री हवाओं के ज़ेर असर होते हैं। जनूबी इलाके किधर होते हैं? समुद्री हवाओं के ज़ेर असर होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जिसकी वजह से मौसम गर्मा और मौसम गर्मा का फर्क बहुत कम होता है। यूँ मौसम खुशगवार रहता है। अब ये वजह क्या थी कि जनूबी इलाके क्या है? समुद्री हवाओं के ज़ेर असर रहते हैं। कि पाकिस्तान के जो जनूबी इलाके हैं ये क्या रहते हैं? समुद्री हवाओं के ज़ेर असर रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मौसम गर्मा और मौसम गर्मा का फर्क बहुत कम होता है। यूँ क्या होता है कि मौसम खुशगवार रहता है। नेक्स्ट मामले क्या है कि हमने ये दो क्या आमले डिस्कस कर लिए। अब हम तीसरे आमले की तरफ आते हैं कि इसमें क्या है। तो इसमें यह है कि सर्दियों में शुमाली और मगरबी पहाड़ सर्द हवाओं को पाकिस्तान आने से रोकते हैं। क्या होता है सर्दियों में? सर्दियों में शुमाल और मगरबी पहाड़ सर्द हवाओं को पाकिस्तान आने से रोकते हैं। सतह समुद्र से बुलंद होने की वजह से सारा साल यहाँ क्या होता है, दर्जा हरारत कम रहता है। क्या रीज़न थे डियर स्टूडेंट्स कि सर्दियों में शुमाली और मगरबी पहाड़ सर्द हवाओं को पाकिस्तान आने से रोकते हैं? सतह समुद्र से बुलंद होने की वजह से सारा साल यहाँ क्या होता है, दर्जा हरारत कम होता है। तो फोर्थ पॉइंट क्या है कि मौसम गर्मा में मानसून बारिशें होती हैं। चौथा क्या है कि मौसम गर्मा में क्या होता है, मानसून बारिशें होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या थे, ये अवामिल थे किसके, पाकिस्तान की आबो हवा को अवामिल, जो मुतासर करने वाले अवामिल थे वो हमने डिस्कस किए। सबसे पहले हमने जो चीज़ डिस्कस की वो ये थी, आपको ये पता चला कि पाकिस्तान में गर्मी में ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ती है। तो उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान हज़रत इस्तवा से ऊपर खाड़ी हिस्से में है, ठीक है। और इसकी टूल बर्थ और अर्थ बर्थ, टूल बर्थ कितने, 23.30 टूल बर्थ और 37 डिग्री अर्थ बर्थ के दरमियान वाक़ है। और नीम खाड़ी हिस्से में होने की वजह से पाकिस्तान का दर्जा हरारत खुशन मौसम गर्मा में काफ़ी गर्म रहता है। और सेकेंड है कि जनूबी इलाके समुद्री हवाओं के ज़ेर असर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मौसम गर्मा और मौसम गर्मा का फर्क बहुत कम होता है, यूँ मौसम खुशगवार होता है। और थर्ड पॉइंट क्या था हमारा कि सर्दियों में शुमाली और मगरबी पहाड़ सर्द हवाओं को पाकिस्तान आने से रोकते हैं। सतह समुद्र से बुलंद होने की वजह से सारा साल यहाँ क्या होता है, दर्जा हरारत कम रहता है। मतलब क्या होता है, इधर सर्दी ज़्यादा पड़ती है। और लास्ट मानस क्या है कि मौसम गर्मा में मानसून बारिशें होती हैं, जो आजकल भी हो रही हैं, आप सबको इस बात को पता है। तो डियर स्टूडेंट्स हमने आज के टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया, आज के लेक्चर में हमने मौसमी हालात को डिस्कस किया, आबो हवा को डिस्कस किया, और हमने देखा कि कौन से अवामिल मुतासर करते हैं पाकिस्तान की आबो हवा को। तो मौसमी हालात में सबसे पहले हमने क्या देखा है, कि हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि क्या कहते हैं मौसम, किसे कहते हैं। सबसे पहले हमने मौसम की तारीफ देखी थी। तो मौसम की तारीफ क्या थी कि किसी खास जगह पर एक मुख्तसर मुद्दत, मतलब दिन या हफ्ते के लिए फ़ज़ाइल अवामिल की कैफियत को मौसम कहते हैं। और फ़ज़ाइल अवामिल उसमें कौन कौन से आ रहे थे, दर्जा हरारत, नमी, बारिश, हवा और फ़ज़ाई दबाव। और नेक्स्ट हमने जो चीज़ डिस्कस की वो थी आबो हवा। तो आबो हवा की भी डेफिनेशन हमने पढ़ी, उसमें क्या था कि एक लंबे अरसे पर मुहित किसी इलाके के उस मौसमी हालात को आबो हवा कहते हैं। आबो हवा किसे कहते हैं, एक लंबे अरसे पर मुहित किसी इलाके के उस मौसमी हालात को आबो हवा कहते हैं। किसी इलाके के मौसम या आबो हवा की कई जगराफियाई अवामिल
मुतयन करते हैं जिनमें हद इस्तवा से फासला सतह समुंदर से बुलंदी और साहिल समुंदर से फासला दायनी हवाएं और सभी हदोहार शामिल है। तो नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया मुतासर करने वाले अवामिल को। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था मौसमी हालात। तो नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपका ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है काफ़ी इससे। तो अच्छी तरह तैयार कीजिएगा, नोट भी आ सकता है मौसमी हालात पर। तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।